और आज हमारे मध्य में एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं और वे हैं भाई जैक पूनन, और परमेश्वर का धन्यवाद उनके लिए। और जैसे मैं भाई जैक और उनकी पत्नी का स्वागत करता हूं यहां पे, और जो बहन एनी है वो भाई के लिए एक उपहार के तौर पे है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 14 वर्षों से हमारे कलीसिया में आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि हम उन्हें कितने बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कौन है या किस रीति से वो परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं। मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगा कि कितना भला परमेश्वर हम में से हर एक के प्रति है कि उसने हर वर्ष हमारे पास भाई जैक पूनन को भेजा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के राज्य में भाई जैक कौन है, सबसे पहली बात। और वो 21 वर्ष की आयु में प्रभु में आए, और 23 वर्ष की आयु से वे प्रचार करने लगे, और अब 50 वर्ष बीत चुके हैं वे प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह के सुसमाचार का जीवन जी रहे हैं। और उन्होंने अभी 25 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें आप उनके कलीसिया की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और उन्होंने थ्रू द बाइबल सीरीज एक पूरी बनाई, अर्थात पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए, और ये 70 घंटे की शिक्षा है जिसे आप यूट्यूब के ऊपर सुन सकते हैं, और जो भी इसे सुनना चाहे उसे यूट्यूब में जाकर के मुफ्त में सुन सकता है। और भारत देश में इनके 50 से अधिक कलीसियां हैं और विश्व में उससे कुछ और हैं। और इन्होंने बीते 45 वर्षों में यह कार्य अकेले नहीं किया है, परंतु और उनकी पत्नी ने उनका सहयोग दिया है। और जैसे बहन एनी हमारे मध्य में है, ये उनके हमेशा पीठ पीछे ही कार्य करी हैं, और वो एक लाइसेंस मेडिकल डॉक्टर हैं बहन एनी पूनन। और बीते 50 वर्षों में और उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छा मेडिकल गरीब लोगों को बीते 50 वर्षों में विश्व में भारत देश में लोगों को मुफ्त में मेडिकल की सेवाएं उन्होंने दी, उनके मुफ्त में उनका इलाज किया। और ये बहुत ही अद्भुत बात है बहन एनी के विषय में जिसे हम देखते हैं। और इस रीति से वो भाई जैक के साथ यात्रा करती हैं, जैसे भाई जैक वचन का प्रचार करते हैं तो वो उनके साथ यात्रा करती है और उनकी सेवकाई में उस गुड न्यूज में उस संदेश में जीवन को लेकर के आती है। इनके 4 बेटे हैं, संजय, संतोष, संदीप और सुनील। और ये चारों बेटे विवाहित हैं और सबके बहुत ही अच्छे परिवार हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे बीते 6 सप्ताह में भाई जैक पूनन को परमेश्वर ने 6 हफ्तों में इस्तेमाल किया है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, पोलैंड में, रोमेनिया में, नीदरलैंड्स में, और कोलोराडो कनाडा में, मैसाचुसेट्स में, मर्लिन, पिनसेवेलिया, और अब वे आज इस सप्ताह के अंत में वो आज हमारे बीच में हैं। और कोई कहे हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें बहुत वर्षों से मैं जान पा रहा हूं, और जब कभी मुझे उनके साथ कुछ व्यक्तिगत बहुत समय बिताया, और मैं ऐसे 2 कारणों की वजह से कर रहा हूं। मैं उन्हें पब्लिकली उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, पास्टर पूनन को, जिन्होंने मेरे जीवन में जो आशीष के कारण हुए, और मैं उन्हें आज के समय के अपोस्टल पॉल, प्रेरित पॉलोस मानता हूं, जिन्हें परमेश्वर इसलिए इस्तेमाल करता है कि पूरे विश्व में उसकी कलीसियाओं को मजबूत कर सके, और यह वह आशीष का भाग है जिसे हम उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरी बात जो उनके विषय में कहना चाहूंगा, मैं उन्हें सब लोगों के सामने, पूरे पब्लिक के सामने मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत ही नम्र व्यक्ति हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बीते 14 वर्षों से आकर के हमारे बीच में प्रचार कर रहे हैं, परंतु विशेषकर यह उनकी सेवकाई थी। और यह 2 वर्षों तक उनकी शिक्षाएं ही थी भाई जैक की, जब इस कलीसिया को जिन्होंने स्थिर रखा, जब 2 वर्ष तक हमारे बीच में कोई पास्टर नहीं थे। प्रभु की स्तुति हो उस बात के लिए। और मेरे और सारे कलीसिया के प्राचीनों के बिहाफ में मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। और आज हम
और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको हमारे मध्य में भेजा ताकि आप हमें आत्मिक रीति से सस्टेन कर सके। और आइए हम सब खड़े होकर के भाई जैक का स्वागत करेंगे जैसे वो हमारे मध्य में आते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके बैठ जाइए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं और मुझे इतना उत्साहित और अप्रिशिएटेड महसूस होता है इस कलीसिया में जितना और कहीं मुझे महसूस नहीं होता है। आज के लिए जो मेरा विषय है वह यह है कि क्या आपने अपने जन्म के अधिकार का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक वचन है जो रोमियो की पत्री उसके 5:17 में पाया जाता है। क्योंकि वे लोग जो अनुग्रह को बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को राज्य करेंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अनुग्रह की बहुतायत को नहीं परंतु अनुग्रह के बूंदों को प्राप्त किया होगा। परंतु जो परमेश्वर का अनुग्रह यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसका उद्देश्य यह है ताकि हम एक राजा के समान हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में राजा के समान हम राज्य कर सके। आपको पता है जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है यदि वह एक राजा के परिवार में राजकुमार के रूप में जन्म लेता है उसे पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसका कितना बड़ा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको बाकी लोग बताते हैं कि, और मुझे नहीं पता कि क्या आप जानते हैं कि जिस समय से आपका जन्म हुआ है कि आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है वह अनुग्रह की बहुतायत। परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण दिया प्रेरित पौलुस के अंदर में जो 30 वर्ष तक पाप में जिसने जीवन व्यतीत किया जो सत्य से अज्ञान था और उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह के पास आया। और देखते हैं उसकी गवाही क्या है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री उसका 8:31 पहले। और वह हर समय वह विजय में जीवन जीता है और मैं इस बात को ज्ञात करता हूं कि उसने अपने नया जन्म पाने के 25 वर्ष बाद लिखा था। यह बात उस समय नहीं हुई जिस समय उसका नया जन्म हुआ, परंतु इसलिए कि वो लगा रहा और उस जीवन के वो पीछे पड़ा रहा और वो अनुग्रह की बहुतायत को अपने जीवन के ऊपर चाहता था, इसलिए कुछ समय बीतने के बाद वो इस जीवन में पहुंच पाया। इसलिए आप निराश नहीं हो यदि यह आपके साथ तुरंत नहीं होता या 5 साल में नहीं हो रहा है, परंतु आप उसका पीछा करते रहिए और एक दिन यह जरूर होगा। हमको नहीं पता कि कितना समय लगा पौलुस के जीवन में, परंतु पौलुस ने बहुत वर्ष के बाद पौलुस ने इन सारी चीजों को अनुभव किया। यदि परमेश्वर हमारा ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पौलुस मनुष्यों से दुष्टात्मा से परिस्थितियों से किसी से नहीं डरता था। आप कल्पना करिए ऐसे प्रकार के जीवन को जीना हर एक परिस्थिति में वो जयवंत से भी बढ़ करके था। यहां पे कहता है कि वो मसीह जिसने हमसे प्रेम किया उसमें बढ़ करके हम जयवंत से भी बढ़कर है। और दूसरा कुरंती 2:14 के अनुसार हम लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हर समय मसीह यीशु में जयवंत सिचुएशन में लेकर के चलता है, जय के उत्सव में लिए चलता है। ऐसे वचन है जिन्हें हमें थामने की आवश्यकता है। यह वचन ऐसे नहीं जिन्हें हमें कुछ समय परंतु हर समय थामने की आवश्यकता है। हमारे मसीह जीवन के शुरुआत में हम कभी कभी इन चीजों को रखते थे, परंतु आप कल्पना करिए कि हम एक ऐसे जीवन में आ सके जहां पे हर समय हर परिस्थिति में हमेशा हम जय के उत्सव में चल सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन, यदि आप इसे जानते या नहीं जानते कि यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसलिए जन्मे ताकि आप एक राजा और रानी के समान जीवन जीजिए। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने कहा कि यह हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखें। मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो गुलाम बने। आप पाप के गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप शैतान के भय में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यह तो सारा पुराना नियम का ये पुराने नियम के समय की बात है। पुराने नियम में कोई भी शैतान से निपट नहीं सकता था और शैतान इतना शक्तिशाली था, परंतु शैतान क्रूस के ऊपर पराजित किया गया है। मैं आपके सामने जो हमारी विरासत है उसे मैं आपके सामने स्पष्टता से बताना चाहता हूं ताकि यह सभा समाप्त होने के बाद हम में से अधिकतर लोग इसे समझ पाएं और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को अपनी विरासत को समझ पाएं, परमेश्वर के अनुग्रह के संदर्भ को समझ पाएं। अनेक बार जो समस्या आती है एक इमारत में वह समस्या तब आती है जब उसकी जिसकी नींव मजबूत नहीं रहती। भारत देश में बहुत सारी इमारत इसलिए गिर जाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं रहती। और इस बात को मैंने बहुत सारे मसीहियों के जीवन में देखे हैं जब वे 5-6 वर्षों तक मसीह रहते हैं और बिल्डिंग इसलिए गिरती क्योंकि
उनकी नींव मजबूत नहीं रहती। मसीही जीवन की शुरुआत हम ना केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से परंतु मन फिराने के द्वारा किया जाते हैं। और अधिक बार हम देखते हैं कि जो मन फिराना है उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। बहुत सारे प्रचारक लोग, बहुत सारे टीवी के प्रचारक लोग, वे केवल विश्वास विश्वास के विषय में बात करते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, और लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन उन्हें मन नहीं फिराया है और इसलिए उनकी नींव में गलती होती है और इसलिए 5 साल बाद तीसरे माले पे क्रैक आता है और उसकी गलती यहाँ पे है, न्यू में पाई जाती है, तीसरे माले पे नहीं। आप देखिए यीशु मसीह ने किस बात को कहा लूका 24 अध्याय में और उसके 47 वचन में। लूका 24 अध्याय और देखिए यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को क्या कहने कहा, और मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में किया जाएगा। और यहाँ पे क्यों लिखा है मन फिराओ का प्रचार, पापों की क्षमा के लिए क्यों मन फिराव का प्रचार किया जाना है? और एक मसीहों का एक ऐसा समूह है जो कहते थे कि जो मन फिराना है वो एक काम है, वो एक काम नहीं है। हम अपना सारा जीवन हमारा सारा जीवन हमारे सामने पाप और शैतान रहता है और हमारी पीठ परमेश्वर की ओर रहती है। परमेश्वर के पास हमारे लिए सारी आशीष है परंतु मैं उस आशीष को तब तक नहीं ले सकता हूं जब तक मैं परमेश्वर की ओर मुंह न करूं। और परमेश्वर कहता है बस मेरे तरफ मुंह कर, और यह कोई काम नहीं। परमेश्वर कह रहे कि मुझे उसकी ओर मुड़ना है, उसको आमने सामने देखने ताकि मैं उस वरदान को प्राप्त कर सकूं। यदि मैं आधा रिपेंट करता हूं, आधा मन फिरा रहा हूं, और जो रिपेंटेंस है, जो मन फिराना है, वो 180 डिग्री में होना चाहिए। आपको हर चीजों से आपको मन फिराना है, उन हर चीजों से जो मसीह की आत्मा का विरोधी है। और इससे पहले कि हम पाप से मुड़े हमें पाप को जानने की आवश्यकता। बहुत सारे लोगों के लिए पाप की अलग अलग परिभाषा है। यदि आप एक अविश्वासी या नास्तिक से पूछे कि, तो उसे कहेंगे कि 5 सबसे मुख्य पापों का लिस्ट बना, तो वो क्या बनाएगा? व्यभिचार, चोरी, हत्या, झूठ बोलना, एक्सेट्रा आदि आदि। और आप बहुत सारे विश्वासियों से पूछे, उनसे कहें कि और सबसे गंभीर पापों का लिस्ट बनाओ, तो वो भी कहेंगे, वे भी यही लिस्ट बनाएंगे, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना। परंतु आपको पता है यीशु मसीह ने कहा इन चीजों के विषय में, जैसे कि घमंड, पाखंड, गंदे विचार और क्रोध पर, और हमारे जुबान को नियंत्रण रखने के विषय में, पैसे के प्रेम के विषय में, और ये सारी चीजें पाप के लिस्ट में नहीं आती जिसे बहुत सारे विश्वासी लोग मानते हैं। और इसलिए जिन चीजों से हम मुड़े हैं, मन फिराए हैं, और हम उन्हीं चीजों से मुड़े हैं जिनसे बहुत सारे निर्दोष अन्य जाति लोग भी मुड़े हैं, और इसीलिए हमारा जीवन उनके समान है। और इसलिए तो हम देखते हैं कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में उतना ही झगड़ा है, उनके परिवार में उतना ही झगड़ा है, जितना जितना डिवोर्स संसार में उतना ही मसीहियों के घर में है। और यहाँ पे मसीही लड़के लड़कियां बिना शादी के एक साथ रहते हैं। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने, इनके बीच हर जगह पे मन फिराव का प्रचार जैसे किया जाना चाहिए वैसे नहीं किया गया है, क्योंकि जो समस्या है वो न्यू में पाई जाती है। और यह इसलिए है क्योंकि हमने पाप की गंभीरता को नहीं देखा है। और जैसे मैंने नए वचन का अध्ययन किया कि पाप की सबसे स्पष्ट परिभाषा कौन सी है, मैं संसारिकता परिभाषा नहीं चाहता हूं परंतु बाइबिल की परिभाषा को मैं, और रोमियो 3:23 में मैं इस जगह पे पहुंचा। और ये बहुत ही जाना पहचाना वचन है जिसे हम सब जानते हैं, रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 वचन, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यही तो पाप की परिभाषा है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाना। और परमेश्वर की महिमा जो है वो यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दी, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। इसलिए पाप की परिभाषा जो नए जन्म में यह है वह 10 आज्ञा के अनुसार नहीं है, वह तो बहुत बहुत निचले स्तर की है। कोई भी चीज यीशु मसीह के जीवन से जो नीचे के स्तर की है, कोई भी चीज जो यीशु मसीह के जीवन से निचले स्तर की, कोई भी चीज जो मसीह के समान नहीं है मेरे जीवन में, वह पाप है और मुझे उसके ऊपर प्रकाश की आवश्यकता है ताकि मैं उससे मुड़ सकूं। और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हमें पाप के ऊपर प्रकाश दे, ताकि हम उस पाप से पूरे रीति से मुड़ सके। और यदि हम एक अच्छी नींव आज यहां पर डालेंगे तो हमारे पास जो एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। और इसका जो अल्टीमेट उद्देश्य है कि क्यों परमेश्वर हम मसीहों को इस संसार में रखता है, वह यह है कि यह नहीं है कि हम किसी रीति से यहां से निकल करके स्वर्ग जा सके। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अंधकार में ज्योति बन सके, यह मुख्य उद्देश्य है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह संसार की ज्योति और इसे संसार की ज्योति, परंतु क्या आप इस वचन को जानते हैं जहां पर यीशु मसीह ने कहा है, जब तक मैं इस संसार में हूं मैं इस संसार की ज्योति हूं, जब तक मैं संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति। और 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार को छोड़ करके चले गए, यूहन्ना 9:5 के अनुसार। तो अब जीवन की ज्योति कौन है? और इसका उत्तर पाया जाता है जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मत्ती 5:14 वचन में कहा है,
तुम जगत की ज्योति हो, मत्ती 5:14। यदि कोई आपसे पूछे कि जगत की ज्योति कौन है, तो आपको कहना है मैं संसार की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। और हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम इस जवाबदारी से बचना चाहते हैं, हम इस जवाबदारी को यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहते हैं कि वो जगत की ज्योति। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं संसार में तब तक मैं ज्योति हूं। और क्यों उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं? क्योंकि किसी ने पिता को नहीं देखा था। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और जब यीशु मसीह चला गया तो किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा। ठीक वैसे ही जैसे जब यीशु मसीह संसार में था कोई पिता को नहीं देख सकता था, वैसे ही अब कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता। और आपको मुझको ये कहने के योग्य होना है कि यदि तुमने मुझे देखा है तो आपने थोड़ा बहुत यीशु मसीह को देखा है, किस प्रकार का होता है। आप देख सकते कितनी बड़ी चुनौती हम मसीहियों के ऊपर रखी गई है कि तुम जगत की ज्योति हो, जब हमसे यह कहा जाता है। और आप पति लोगों को अपनी पत्नियों से यह कहने के योग्य होना चाहिए कि जिस रीति से तुम, यदि तुम मेरे व्यवहार को घर में किस प्रकार से देखे हो, जिस प्रकार से मैं घर में व्यवहार करता हूं, तो तुम इस बात को देखो किस प्रकार से यीशु मसीह रहता था घर में। और जब पत्नी लोग अब ताली बजा रहे हैं, मैं आप लोग से भी कहना चाहूंगा, और यही बात को तो पत्नियों को भी अपने पति को कहना चाहिए कि यदि तुमने मुझे देखा तो तुमने थोड़ा बहुत यीशु मसीह को देखा है। और भाइयों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं। पिता ने यीशु को इसलिए भेजा था कि वह जगत की ज्योति बने, और यीशु ने हमें जगत की ज्योति होने के लिए भेजा है। और हमें इस बात से ग्रसित होना है, हम केवल इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएं, हम यीशु मसीह के जीवित साक्षी होने के लिए बुलाए गए हैं। बहुत सारे अविश्वासी लोग इसलिए मुड़ गए हैं, वो सच्चे यीशु मसीह से नहीं फिर करके गए, परंतु झूठे यीशु मसीह से मुड़ करके दूर चले गए, जिन्हें उन्होंने मसीहियों के जीवन में देखा है, जो बाकी सारे संसारिक लोगों के समान जीवन जीते हैं। और यही वह मसीह है जिससे बहुत सारे लोग मुड़ करके चले गए हैं। लोग कहते हैं कि लोगों ने मसीह को तुच्छ जाना है, उसे निकाल दिया है। उन्होंने मसीह को कहां देखा है? उन्होंने मसीह को आपको और मेरे जीवन में देखना है, उन्हें मसीह को आपको और मेरे परिवार में देखना है। और जब लोग हमें अब हमारे ऑफिस में देखे, वहां पे उन्हें हमारे अंदर मसीह को देखना है। और जब हम इस महान चुनौती के विषय में सोचते हैं कि संसार की ज्योति होने के विषय में, और हम कहते हैं कि प्रभु जी यह तो असंभव है, इस संसार में मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं? और इसीलिए परमेश्वर हमें स्रोत देता है, रिसोर्सेस देता है, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं कि आप निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 3 वचन। इफिसियों 1:3 में हम अद्भुत प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में, इस वचन को ध्यान से देखिए, मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसी एक भी आशीष पवित्र आत्मा में, और ऐसी कोई भी आशीष नहीं पवित्र आत्मा में जो हमारी नहीं हो सकती है। ये पहले ही से हमारे स्वर्ग के बैंक अकाउंट में डाल दी गई है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा एक राजा के परिवार में जन्म ले सकता है, और आप उसका पिता उसके $1 खरब उसके अकाउंट में रख देता है, और तब तक आपके पास नहीं मिल सकता है, परंतु जब तक आप उसे बैंक से नहीं निकाले आप अज्ञान रह सकते हैं। वैसे ही शैतान हमें हमारे जन्म सिद्ध अधिकार से हमें अज्ञान रखते हैं। यही तो कारण है कि बहुत सारे मसीही लोग अभी भी पराजित हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनके जन्म के अधिकार की ओर अंधा कर दिया है। उनके स्वर्ग के खाते में परमेश्वर ने जो आशीषों को रखा उसके लिए शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया। इन्हीं सारी बातों को तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वचनों से, ताकि जो आपका वचन है वो किसी मनुष्य की चतुराई के ऊपर ना बस निर्भर रहे। मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की हर एक आशीषें हमारी हैं, पर इस मसीह में होकर कर परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी चीजों की घोषणा करें। और इफिसियों 2:8 उसका 8वां वचन बहुत सुप्रसिद्ध वचन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और यह तो सिद्धांत है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ। और अनुग्रह का यह सिद्धांत हमारे जीवन भर काम करता है, जिस समय से हमारा जन्म और जिस समय तक मसीह यीशु आएगा या हम स्वर्ग में बुला लिए जाएं। और यह सिद्धांत इस प्रकार का है, और परमेश्वर स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा करके तुमसे कह रहे हैं, यहां पे तू है, यहां पे पवित्र आत्मा की हर एक आशीष है, ये तेरी है, तेरे को चाहिए, तेरे को वरदान चाहिए, क्या तुझे आत्मा का फल चाहिए, क्या तू लोगों को प्रेम करना चाहता जो तुझसे प्रेम नहीं करते, क्या तू लोगों को प्रेम करना चाहता जिन्होंने तुझसे बुरा व्यवहार किया, यहां पे है, और मैं तुझे अपनी सहायता दे रहा हूं। हर एक आशीष जो पवित्र आत्मा में है, और विश्वास है अपना हाथ ऊपर बढ़ा करके कहना कि धन्यवाद पिता, अनुग्रह है परमेश्वर दे रहा है।
आशीषों को और विश्वास है उसे प्राप्त करना, और कितना ज्यादा परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा दे। यदि मैं हाथ बढ़ा करके उसे प्राप्त नहीं करूं तो ये मेरा नहीं बनेगा, और कितना ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों ना हो, परंतु यदि आप जाकर के उसे चेक या एटीएम के द्वारा नहीं निकालते हैं तो आपको वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। अनुग्रह इसी प्रकार का है, और वहां पे अनुग्रह की बहुतायत है। पवित्र आत्मा की हर एक आशीष मैंने आपको परमेश्वर के वचन से दिखा दिया, आप इनके ऊपर विश्वास करें और आप इनकी घोषणा करें। मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 20वां वचन, और यही बात है जो दूसरे शब्दों में लिखी गई है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर की किसी भी प्रतिज्ञा को आप उठा करके देख ले जो बाइबल में है, जो मसीहियों के लिए है, वे मसीह यीशु में हां हैं। उसका अर्थ यह है कि हर एक प्रतिज्ञा एक चेक के समान है जिसे यीशु मसीह ने स्वर्ग के बैंक के चेक में साइन करके दिया है। परंतु जैसे आपको चेक को एंडोर्स करना पड़ता है, उस चेक के पहले आपको दस्तखत करना पड़ता है, इससे पहले कि वह चेक आपका बने और वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, आपको एक आमीन कहना है उसके लिए, उस प्रतिज्ञा के लिए, उस प्रतिज्ञा को घोषणा करने के पहले आपको आमीन कहना है। आमीन एक हिब्रू वर्ड है, और जब कभी हम कोई इब्रानी और हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की स्तुति, आमीन का क्या मतलब होता है, और आमीन करते हैं कि प्रार्थना खत्म हो गई, आंखों खोल लो, उसका अर्थ है ऐसा ही होवे, ऐसा ही होवे। सबसे पहली बार जब आमीन शब्द आया उत्पत्ति 15 अध्याय में, जहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब उसकी कोई संतान नहीं थी, तू आसमान के सितारों को देख, मैं तुझे ऐसे ही, मैं तुझे इतने ही सारे बच्चे दूंगा, और बाइबल बताती है कि और अब्राहम ने विश्वास किया, और इब्रानी भाषा में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर के सामने आमीन कहा, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जब उसकी कोई भी बच्चे नहीं थे, तुझे आसमान के तारों के समान संतान होंगे, तो अब्राहम ने कहा आमीन, यदि तू कह रहे तो ऐसा होगा। यहां पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा जिसे यीशु मसीह ने साइन करके दिया, मैं उसे एंडोर्स करता हूं अपने जीवन में, आमीन कहते हुए, यह कहते हुए कि मेरे जीवन में ऐसा ही होवे। यही तो विश्वास का सिद्धांत है। विश्वास कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए हमें काम करना है। विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन में कोई चीज को देखते हो तो आपको कहना है कि प्रभु जी मैं इसे इस तौर पर देखना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात है जिसे तूने मेरे लिए प्रतिज्ञा की। सबसे दुखद बात जो मैंने आज के दिनों में देखी है वो ये है, और आज बहुत बड़ी कमी पाई जाती है, और गंभीर बाइबल स्टडी की, गंभीर बाइबल अध्ययन की परमेश्वर के लोगों के बीच बड़ी कमी पाई जाती है। यह बहुत दुखद बात है। हम बाइबल पढ़ने से ज्यादा टीवी को देखते हैं, यही तो कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम इतने गरीब हैं आत्मिक तौर पर, इसीलिए तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के चेक को जो बाइबल में दिया हम नहीं देख पाते, तभी तो हम गरीबी में जीवन जीते हैं। और इतने अद्भुत चेक हैं बाइबल के अंदर में, और आप कल्पना करिए यदि किसी ने आपको बहुत सारे चेक भेजे हैं, $10,000 के आपको चेक भेजे हैं, और वो सब आपके चिट्ठी के डब्बे में पड़े हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब लोग वचन को नहीं पढ़ते, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो गरीबी में जी रहा है, जब उसके लेटर बॉक्स में हजारों हजार डॉलर के चेक पड़े हैं, यदि वो चाहे तो उसे क्लेम कर सकता है। और यही तो बहुत सारे मसीहियों का चित्र है, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप वचन को पढ़े और कहें कि प्रभु जी मुझे अपनी प्रतिज्ञा को दिखा, ताकि मैं उनकी घोषणा कर सकूं और इन परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होकर के राजा रानी के समान जीवन जी सकूं, जिस प्रकार से तूने मुझे जीवन जीने के लिए बुलाया है। इन बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखने की बात आवश्यकता यह कि यीशु मसीह हमें संसार में आए कि हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है। यीशु मसीह पुअर था, बहुत सारे प्रेरित गरीब थे, परंतु और संसार में ज्योति होने के लिए आपको करोड़पति बनने की आवश्यकता नहीं है, और आपको संसार में ज्योति बनने के लिए तंदुरुस्त होने की आवश्यकता नहीं, परंतु आपको पाप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। नए नियम में सबसे पहली प्रतिज्ञा यह है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। और मैं बहुत दुखद बात यह कह सकता हूं कि जब मेरा नया जन्म हुआ था, तो जिस कलीसिया में जाता था, मेरे प्रचारक लोगों ने मुझे यह बात नहीं सिखाई थी। उन्होंने मुझे यह नहीं सिखाया कि मैं पापों से कैसे स्वतंत्र हो सकता हूं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे मुझे पापों की क्षमा मिल सकती है। और इसे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, और इसलिए वे एक चक्र में घूमते हैं, पाप करते हैं, फिर अंगीकार करते हैं, फिर से पाप करते हैं, और फिर अंगीकार करते, फिर पाप करते, फिर अंगीकार करते, सिर्फ गोल गोल घूमते। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के लहू के लिए जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता, और हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप पाप से स्वतंत्र हो सकते हैं, और हमें इसमें रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस चक्र में रहने की आवश्यकता नहीं है बार बार। और यही तो सुसमाचार का संदेश है कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए। इसके विषय में सोचिए आप, यदि मैं यीशु मसीह से पूछूं कि मुझे मांगू कि मुझे क्षमा कर दे, जैसे मेरा क्रोध
मैंने कुछ गुस्सा कर दिया और मैं कहूं प्रभु से मुझे क्षमा कर दे और वो मुझे क्षमा करता है, और दूसरे दिन और दो दिन के बाद मैं फिर से मैं अपने आपे को खो देता और मैं क्रोध करता हूं, चाहे आपका पड़ोसी रहे या आपके ऑफिस में कोई आपकी पत्नी रहे, और मुझे फिर बुरा महसूस होता है, प्रभु से माफी मांग और मुझे माफ करता है, और प्रभु मेरे लिए क्या है, वो आपका क्षमा करने वाला है, क्या उसने आपको आपके क्रोध से बचाया? नहीं। तो आप उसे उद्धारकर्ता कैसे कह सकते हो? वो आपको उद्धारकर्ता नहीं है। आप उसने आपको किन चीजों से बचाया? क्या उसने आपको क्षमा न करने वाली आत्मा से बचाया? नहीं। क्या उसने आपको जलन और ईर्ष्या से बचाया? नहीं। क्या उसने आपको क्रोध से बचाया? क्या उसने आपको गंदे विचारों से बचाया? क्या उसने आपको को इंटरनेट पोर्नोग्राफी से बचाया, अश्लील चीजों को देखने से बचाया? नहीं नहीं नहीं। परंतु वो आपको क्षमा करता है, तो आप उसे क्षमा करने वाला कहें तो आप उसे उद्धारकर्ता नहीं बुला सकते, क्योंकि उसने आपको किसी भी चीजों से नहीं बचाया है। और यही तो शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपसे यीशु के नाम में कहना चाहता हूं कि वह एक उद्धार करता है, वो सेवियर है, ना केवल पापों को माफ करने वाला, परंतु वह एक उद्धार करता है। और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, न्यू नए नियम में सबसे पहली प्रतिज्ञा जो मत्ती 1:21 में पाई जाती है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार प्रदान करेगा, और पापों की क्षमा प्राप्त करना और पापों से उद्धार पाने में बहुत बड़ा अंतर है। और मेरे पास छह साल का बच्चा, और मैं कहूं कि रोड के पास मत जा, वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है कंस्ट्रक्शन वाले ने, और तू उसके पास नहीं जाना, और मेरी आज्ञा अवहेलना करके वो जा करके गड्ढे में गिर जाता है, वहां से पुकारता है डैडी डैडी, और मैं उसके पास जाता हूं और वो 10 फीट के गड्ढे मेरा बेटा पड़ा है, और मुझसे कहता हूं, वो कहता है कि प्रभु जी बेटा मैंने तेरी बात की अवहेलना की और मैं यहां पे गिर गया। मैं कहता हूं हां बेटा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, बाय बाय मैं जा रहा हूं। क्या मैंने उसे क्षमा कर दिया? हां। क्या मैंने उसे बचाया? नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और आप इसे हमेशा के लिए देख लीजिए, पापों की क्षमा प्राप्त करने में और पापों से बचाए उद्धार पाने में, छुटकारा पाने में। जब आप उससे उद्धार करता बुलाते तो आप ये कहते कि तू मुझे पापों से छुटकारा देने आया, मुझे क्षमा करके उस गड्ढे में छोड़ने के लिए नहीं आया। पाप जो है वो बहुत ही गंभीर वस्तु है, पाप बहुत गंभीर है, और जहां पे आप उसकी गंभीरता को सबसे ज्यादा देख सकते हो वो है कलवरी के क्रूस के ऊपर। और मैंने अनेक वर्ष लगाए हैं कलवरी के क्रूस के ऊपर मनन करने में, और इसी रीति से तो मैं पाप की गंभीरता को देख पा, मैं देख पा कि कैसे पाप मेरे अंदरूनी जीवन को खराब कर रहा था। और आज मैं ईमानदारी परमेश्वर के सामने कह सकता हूं कि मेरे पास संसार में कोई भी बीमारी क्यों ना जाए, परंतु मैं नहीं चाहूंगा कि एक पाप मेरे जीवन में रहे। और यही तो मन फिराने का अर्थ होता है, जब वो कहता है बाइबिल में कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा गया। वो पुराना मनुष्यत्व का क्या मतलब हो? वो हमारा शरीर नहीं है। जो हमारा पुराना मनुष्यत्व और जो हमारा शरीर है दोनों अलग है। हमारा जो शरीर है वो हमेशा हमें प्रलोभित करता है, तब तक प्रलोभित करता है अभिलाषाओं के साथ जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती। परंतु जो पुराना मनुष्यत्व है उससे मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो मन है जो पाप करना चाहता है, ये है पुराना मनुष्यत्व। और यही तो बदल जाता है जब हमारा नया जन्म होता है, तो और जब आप वास्तविकता में एक नए जन्म को अनुभव करते हैं, वह मन जो पाप करना चाहता है वो मर जाता है। अब हमारे पास एक ऐसा मन है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कभी पाप नहीं करेंगे। जब लोग मेरे पास बपतिस्मे के लिए आते हैं, जहां पे वे गवाही दे रहे हैं कि रोमियो 6 के अनुसार उनका पुराना मनुष्य तो गाड़ दिया गया, मैं उनसे यह नहीं पूछता कि क्या तुम आगे को पाप करोगे, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं आगे को पाप नहीं करूंगा, सबसे बड़ा संत भी नहीं कह सकता, हम कभी भी स्लिप होकर के गिर सकते हैं। परंतु मेरा प्रश्न उनसे यह होता है, क्या तुम पाप करना चाहते हो? परंतु इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। क्या आप एक बार भी पाप करना चाहते हो? इसका उत्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नया जन्म है हमारे स्वभाव में अंतर को लेकर के आता है। और इसको एक तरीके से मैं दर्शा सकता हूं सुअर और बिल्ली से। और जो सुअर है उसे कीचड़ पसंद है, उसे गंदगी पसंद है। यदि आप भारत आएंगे तो आप देखेंगे कि जो सुअर है बहुत गंदे रहते हैं और कोई उनकी चिंता नहीं करता, और हर समय वो गंदगी में पड़े रहते। परंतु आप कभी भी एक गंदी बिल्ली नहीं देखेंगे, और जो बिल्ली होती है वो हमेशा अपने आप को चाट चाट के साफ करती है। बिल्ली को साफ सफाई स्वच्छता पसंद आती है, और इसका यह मतलब नहीं कि जो बिल्ली है वो कभी गंदे पानी में नहीं गिरती है। बिल्ली एक गंदे पानी में गिर सकती है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है जब बिल्ली कीचड़ में गिरती है या जब सुअर कीचड़ में गिरता है। जो सुअर कीचड़ में गिरता है तो उसको आनंद मनाता है, परंतु जो बिल्ली है उसमें से कूद के बाहर निकलती है। और इसी रीति से आप जानते हैं कि आप विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं, और इसके माध्यम से नहीं कि जब आप पाप में गिरते हैं, परंतु आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप पाप में गिर जाते हैं? क्या आप वहीं पे बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं?
क्या आपने कभी ऐसी बिल्ली को देखा है जो बिल्ली कीचड़ में गिर गई तो इधर उधर मुड़ करके देखती क्या उसे कोई देख रहा है, और जब नहीं देख रहा तो वहां पे थोड़ा सा आनंद लेने लगे कीचड़ में लौट करके? तो वो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो असली बिल्ली नहीं है, वो बिल्ली है जो सुअर है जो बिल्ली के खाल में वहां बैठा है। और आज विश्वासियों के बीच में बहुत सारे सुअर है जो बिल्ली की खाल में बैठे हुए हैं। इससे जब कभी आप पाप कर रहे हो और आपको देखना पड़ रहा है कि क्या किसी ने मुझे देखा या नहीं देखा, तो आप अपने स्वभाव को जांच लीजिए। यदि परमेश्वर ने आपके स्वभाव को बदल दे है, तो जब कभी आपको कोई देखे या ना देखे, जब कभी आप पाप में गिरते हैं, अपने मृत्यु के दिन तक जब कभी आप पाप में गिरते हैं, तुरंत आपके अंदर एक प्रतिक्रिया होगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे बिजली के नंगी तार को छूना। यदि आप मरे हुए हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़े, परंतु यदि आप जीवित हैं तो आप तुरंत वहां से अपने हाथ को उठाएंगे। और यही तो सच्चे विश्वासी का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है पाप के प्रति। और हम गलती से गरम तवे पे हाथ रख सकते हैं, परंतु यदि हमारे अंदर जीवन है तो हम तुरंत हाथ फोटाएंगे। यही तो चिन्ह है एक सच्चे विश्वासी का। और हमें पाप की गंभीरता को क्रूस के ऊपर देखना, जब मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा, और उन तीन घंटे में क्या हुआ जब यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? यह एक ही बार है इतिहास में, इस पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में, परमेश्वर स्वयं के इतिहास में, जहां पे पुत्र ने पिता को परमेश्वर करके बुलाया, उसने हमेशा पिता 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 कह करके बुलाया, परंतु अपने जीवन में एक बार उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस समय वह संसार के न्यायाधीश के सामने खड़ा था हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए, और हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया। आप जानते हैं कि जो हमारे पापों का दंड है वो शारीरिक मृत्यु नहीं, वो शारीरिक मृत्यु से बढ़कर है, और वो है परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलगाव हो जाना नरक में। और वही एकमात्र जगह है पूरे ब्रह्मांड में जहां पे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, वह नरक है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जिसे परमेश्वर ने पूरी रीति से त्याग दिया है। और मैं नहीं समझ पाता कि हम में से कोई उस दर्द को समझ पाएगा जहां पे बिना दया के कोई व्यक्ति परमेश्वर से पूरी रीति से अलग कर दिया जाता। और इसी चीज को तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 3 घंटे तक महसूस किया। और ये जो सारी चीज थी वो कंसंट्रेटेड थी, जो नरक की यातना थी, नरक के जो दंड था उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसके ऊपर डाल दिया गया था। और वो इन चीजों को इसलिए सह पाया क्योंकि वह एक इनफाइनाइट बींग था परमेश्वर होने के नाते। और इसीलिए तो उसने गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया कि पिता क्या तू इस प्याले को मुझसे दूर दूर कर सकता है? और वो फिजिकल मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से कोड़े लगने से वो डर नहीं था, परंतु जिस बात से वो दूर रहना चाहता था वह था उसका पिता के साथ उसका जो संबंध वन टूट जाए, इसकी वो चिंता कर रहा था। और उसी को, और हम इस चीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हम इसका मूल्य नहीं जानते हैं, हम पिता के साथ संगति को मूल नहीं देते, हम संसार की चीजों को मूल देते हैं। यीशु मसीह ने पिता के साथ संगति को सबसे ज्यादा महत्व दिया था बाकी सारी चीजों से छोड़ करके, तभी तो वो पापों से दूर रहना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि छोटा सा छोटा पाप उसके पिता के साथ उसकी संगति को तोड़ देगा। और वो बिना पाप के 35.5 वर्ष तक इससे रह पाया क्योंकि वो पिता के साथ संगति से प्रेम करता था। यदि आप पिता के साथ संगति से प्रेम करेंगे तो आप भी पाप से दूर रहने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जब वो पिता के साथ संगति से प्रेम करता था तो तभी वो कह रहा था, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से यह जो संगति है तेरे साथ ना टूट सके? और यह एक काल्पनिक संवाद है जो पिता और यीशु के बीच में चल रहा है। तू चाहे तो तू सीधा गतसमनी से स्वर्ग सीधा आ सकता है क्योंकि तूने कभी पाप नहीं किया, परंतु यदि तू यहीं से सीधा ऊपर आ जाएगा तो जैक नरक जाएगा। और तब यीशु कहता है, ओ अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं क्रूस की मृत्यु को सहूं और आप अपना नाम वहां पर डाल लीजिए। इसीलिए और वो सबसे बड़ी प्रताड़ना से होकर के गुजरने के लिए राजी हो गया, जिसे वो हर तरीके से उससे बचना चाहता था, क्योंकि केवल यही एकमात्र तरीका था जिसके माध्यम से आपके पाप क्षमा किए जाते और मेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। That's the only way. और वही एकमात्र तरीका था कि हम अनंत काल के नरक से बच सकते थे। और मुझे स्मरण आता जब पहली बार मैंने इसे देखा, मैं रो पड़ा और मैंने कहा, प्रभु जी, मैं इसे कभी नहीं जानता था कि तूने मुझसे कितना प्रेम किया। और मैंने इसे गतसमनी में देखा कि कितना गंभीर है पाप। और प्रभु, मैं अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करना चाहता हूं
और इसने मेरे जीवन के आचरण को पूरी रीति से परिवर्तित कर दिया। जब मैंने देखा कि किन यातना से यीशु मसीह होकर के कलवरी के क्रूस के ऊपर गुजरा, और मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बाद परमेश्वर हमारी अगुवाई कहां करता है। परमेश्वर ने पेंतिकुस के दिन के बाद से पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए दिया है ताकि वह हमें अनुग्रह प्रदान कर सके, और इसीलिए पवित्र आत्मा को अनुग्रह का आत्मा भी कहा जाता है। और पुराने नियम में किसी के इस प्रकार से किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था, उनके अंदर नहीं आता था, परंतु पेंतिकुस के दिन के बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना 14 अध्याय में, इस समय जो पवित्र आत्मा जो सांत्वना देने वाला वह तुम्हारे साथ है, परंतु उस दिन वह तुम्हारे अंदर रहेगा। यही तो हुआ, परमेश्वर का आत्मा अंदर आया, इसी के वजह से तो अनुग्रह अंदर आ पाया। दाऊद के पास नहीं था, वो केवल बाहरी रूप से अभिषिक्त था, तभी तो वो व्यभिचार में गिरा। एलिया जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, वो निराश हो गया क्योंकि उसके पास अंदर अनुग्रह नहीं था, इसलिए उसने कहा कि मेरे जीवन को ले ले प्रभु जी। और अनुग्रह के वजह से यीशु मसीह अपना जीवन जी पाया जो वो था, और अनुग्रह के वजह से पौलुस जैसा जीवन जी पाए। यह तो बहुत अद्भुत बात है, नियम की, और यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह क्या चीजों को कर सकती है। रोमियो 3:24 में हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या कर सकती है हमारे लिए। और अनुग्रह के उस छुटकारे के दर जो मसीह यीशु में है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि हम सबका एक बहुत भयानक अतीत है, और जहां हमने परमेश्वर का विरोध किया है, हमारे विद्रोही आचरण है, अनाज्ञाकारिता है, पाप में जीवन है, और परमेश्वर के उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। परमेश्वर होने के नाते उसे वैसे ही एक जो जज है, एक यद्यपि उसका बेटा क्यों ना रहे, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं उसने मर्डर किया है तो। परंतु जो धर्मी ठहराए जाना है वो पापों की क्षमा से बढ़ करके है। हम में से हर कोई पापों की क्षमा के विषय में तो जानता है, परंतु अब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। क्षमा का मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। यदि आपके पास $1 खरब का कर्जा है, और यही तो आपके पाप के कर्जे का चित्र है जो हमने परमेश्वर से लिया। हर एक पाप जो हम करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर एक कर्जा चढ़ जाता है हमारा। और मसीह ने जब वो मरा तो उसने उन सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और हमारे जो पाप का कर्जा था उसे तोड़ दिया, और जो मेरा जो कर्जा था वो पूरा क्लियर हो गया, $1 खरब क्लियर हो गया, वो जीरो हो गया। यही बहुत बड़ी बात होती, परंतु इससे बढ़ करके है। यह तो पापों की क्षमा है, परंतु जो धर्मी ठहराया जाना है कि अब जब मेरा जो कर्जा है वो साफ हो गया, क्लियर हो गया, और अब परमेश्वर $1 खरब मेरे बैंक अकाउंट में डाल देता है, इसलिए जो मेरे बैंक का जो खाता था -$1 बिलियन से जीरो में नहीं आता है। यह बहुत बड़ी बात होती थी, जीरो में आ जाता, परंतु +$1 बिलियन हो जाता है। यही तो है धर्मी ठहराया जाना। वह मरा, बाइबल कहती रोमियो 4 के अंतिम वचन में कहता है, वह इसलिए मरा हमारे पापों की क्षमा के लिए, वो इसलिए जीवित हो उठा मृतकों में से जी उठा ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं। हम दोनों के फायदे को जानते हैं। और यदि मेरे सारे पाप क्षमा भी कर दिए जाए तो मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे पास आदम से आए हुए एक गंदा स्वभाव है जो कभी मुझसे दूर नहीं होगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर मुझे मसीह की धार्मिकता पहनाता है, अर्थात धर्मी ठहराता है मुझे, और ताकि मैं परमेश्वर के सामने ऐसे खड़े होता हूं। जस्टिफिकेशन मतलब है जस्ट एज इफ, जैसे मैंने कभी पाप नहीं किया है। और वहां पे मसीह की धार्मिकता में खड़ा किया जाता है। यही तो पहली बात है जो अनुग्रह मेरे लिए करती है, और हमें इसे जानना है। आप जैसे कहा गया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, दोष की भावना से स्वतंत्र करेगा, और इस बात की भावना से स्वतंत्र करेगा कि मैं बहुत बुरा हूं, परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अशुद्ध रहे होंगे, एक बार जब आप मसीह की धार्मिकता को पहन लेते हैं तो आप सबसे धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं। जो सबसे दुष्ट व्यक्ति और सबसे धर्मी व्यक्ति जब मसीह की धार्मिकता को पहनते तो दोनों एक समान हो जाते हैं। और वह व्यक्ति जो मसीह के परमेश्वर के साथ 50 वर्षों से चला है, और जो कल ही जिसे नया जन्म प्राप्त किए, वे दोनों व्यक्ति एक ही बेसिस पे परमेश्वर के सामने ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि वे सब मसीह की धार्मिकता पहन करके आते हैं। दूसरी बात जो अनुग्रह हमारे लिए करती है, हम यहां से आगे बढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 14 वचन। और यहां पे हमारी दूसरी समस्या है, एक तो हमारा अतीत काल है और दूसरा हमारा स्वभाव है जो हमें बार बार पाप कराता है भविष्य में, और इसलिए प्रभु ने उसके लिए भी एक प्रोविजन रखा है।
परमेश्वर ने हमें दो वरदान दिए हैं, अपना पुत्र और उसकी आत्मा। और उसका पुत्र जो हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरा, जिसने हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमें धर्मी ठहराया, और उसकी आत्मा जो हमारे अंदर वास करती ताकि हमें अनुग्रह दे सके, ताकि हम पाप के ऊपर जयवंत हो सके। और केवल मसीह की धार्मिकता नहीं जो जो हमें पहनाता है, परंतु पवित्र आत्मा में अंदर से सामर्थ्य देता है। यही बात तो यहाँ पे लिखा है, पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा, रोमियो 6:14, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो, व्यवस्था के अधीन नहीं। और व्यवस्था के अधीनता में उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता था। कितना भी ज्यादा उनके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरता था और उनके द्वारा आश्चर्य कर्म करवाता या मुर्दों को जिंदा करता, परंतु वे पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते थे। दाऊद भी नहीं, ना एलिया, ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो अपने जीवन के अंत में संदेह किया कि क्या यीशु मसीह मसीहा है या नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, यह अद्भुत बात होती है, और वो की वह जो कर सकता है, और यह तो हमारा सौभाग्य है। यही तो पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ होता है, और अर्थात उसका अर्थ यह है कि हमारे अंदरूनी मन को खोलना प्रभु यीशु मसीह, और यह कहना कि प्रभु जी अपने अंदरूनी जीवन को तेरे लिए पूरी रीति से खोलना चाहता था, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। और यही तो अर्थ होता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो पाप हमारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा। ठीक वैसे जैसे यीशु मसीह पाप के ऊपर जयवंत हुआ, वैसे हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जब कभी आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखते हैं तो आपको हाथ बढ़ा करके उसे परमेश्वर से प्राप्त करना है। जब आप उसे प्राप्त नहीं करेंगे तो वो आपकी नहीं होगी। यीशु मसीह गलील के झील के ऊपर वो पांव चला, और यह था ग्रेविटी के जो लॉ ऑफ सिन है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के जैसे जो हमें हमेशा नीचे खींचता, यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना उसके ऊपर जयवंत होने को दिखाता है। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है, परंतु उससे बड़ा आश्चर्य कर्म यह था कि पतरस जयवंत हुआ। यीशु ने पतरस से कहा जो नाव में था, आ, और पतरस उस नाव में से उतरा पानी में, और वह पानी के ऊपर नहीं उतरा, और वह यीशु मसीह के वचन के ऊपर उतरा, जो वचन था आ, और वह जो वचन था वो ठोस पत्थर के समान था। और इसी वजह से तो पतरस चल पाया, और इसी रीति से तो वो चल पाया, और उसने गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर उसने जयवंत हुआ। और आज यीशु मसीह आपसे कहता है उतने ही स्पष्ट रीति से जितने स्पष्ट रीति से उसने पतरस से कहा, आपसे कहता है कि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा। आप में से और आप में से कितने कितने सारे लोग अपने नाव से उतर करके यीशु मसीह के उस वचन के ऊपर पांव रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु जी मैं जयवंत हो सकता हूं। मुझे स्मरण आता है उन वर्षों में जब मैं बहुत वर्ष तक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के बहुत वर्षों तक पराजित रहने के बाद जब मैंने इस वचन के ऊपर विश्वास किया, और बाहरी तौर पे आपकी बहुत अच्छी गवाही हो सकती है, परंतु आप अंदरूनी तौर पे पूरी रीति से पराजित हो सकते हैं पाप से। और एक दिन मैंने जब प्रभु के पास जाकर कहा, प्रभु जी मैं अपने पराजित जीवन से बहुत ज्यादा थक चुका हूं। बाइबिल कहती कि धन्य वे लोग जो धर्मी धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं उपस्थित यहां उपस्थित हर एक लोगों से कहना चाहता हूं कि इन बातों को अपने दिमाग में समझना पर्याप्त नहीं है, या आपको इस जीवन में आपकी अगुवाई नहीं कर सकता है। परंतु यदि आपके अंदर एक भूख है और एक प्यास है धार्मिकता के लिए, परमेश्वर एक ईश्वर भक्ति के जीवन के लिए आपके अंदर एक लालसा है, और आपके अंदर एक लालसा कि आप आगे को मसीह के नाम की निंदा करने वाला ना बने, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु आपकी अगुवाई करेगा इस अद्भुत जीवन में जहां पे पाप आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं करे, क्योंकि वह जो आपके अंदर है उससे जो संसार में बड़ा और शैतान पहले ही से पराजित है। और इसमें कोई कारण नहीं कि शैतान आपके ऊपर अधिकार जताए, वो क्रूस के ऊपर पूरी रीति से हरा दिया गया है। और मैं एक जवान स्त्री को काउंसलिंग कर रहा था, और मैंने उसे जैसे मैं हमेशा और मैंने उस स्त्री से कहा कि तू शैतान से कह कि शैतान तू क्रूस के ऊपर पराजित है। मैं नहीं जाना था उसके अंदर एक दुष्टात्मा, उस दुष्टात्मा ने मुझसे पलट करके जवाब दिया, और उस वो कहता है कि अरे, उसने कहा कि मैं क्रूस के ऊपर पराजित नहीं था। और मुझे लगा अरे ये तो एक साधारण सी जवान लड़की है, और जब एक दुष्टात्मा मुझसे बात करती तो मैं दुष्टात्मा से बात करते, तो मैंने कहा उसमें से निकल जा यीशु के नाम से, क्योंकि तू क्रूस के ऊपर नाश हो गई है। और 5 सेकंड के अंदर दुष्टात्मा से छोड़ करके चले गई। और फिर मैंने उस लड़की से कहा कि शैतान से कह कि तू क्रूस के ऊपर पराजित है। तब लड़की कह पाई कि शैतान के ऊपर शैतान तो क्रूस के ऊपर पराजित हो गया है। और जिस क्षण उस लड़की स्वतंत्र हुई उस क्षण वह कह पाई, क्योंकि उसे काउंसलिंग की नहीं परंतु उसे डिलीवरेंस की आवश्यकता थी, छुटकारे की आवश्यकता थी। मैं शैतान से अनेक बार कहता हूं कि तू क्रूस के ऊपर पराजित है, आप शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, वो आपके पास चल करके नहीं जाएगा, वो आपके सामने से भाग चला जाएगा। और जो फ्ली है वो रन करने से ज्यादा ज्यादा कड़ा शब्द है, क्योंकि क्रूस के ऊपर वह पराजित है। इसलिए कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, और अनुग्रह के पास वह सामर्थ्य है जो आपको उठा सकता है। आप मेरे साथ निकल लिए इब्रानियों की पत्री 4:16 वचन, इब्रानी 4:16।
और यहां पर इब्रानी 4:16 में वो कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन निकट ही आओ, बांध कर चले। क्यों ही आओ बांध कर? क्योंकि शैतान पराजित है, यीशु मसीह ने कीमत चुका दी, पवित्र आत्मा आ चुका है, और पुराने नियम में ऐसा कोई नहीं कर सकता था। क्यों आए? कि हम उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और जो दया हमारे पुराने पापों की क्षमा है, परंतु जो अनुग्रह वो भविष्य के लिए मेरी सहायता है, आवश्यकता के समय मेरी सहायता है अनुग्रह। यदि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं और मैं उसके ऊपर की चोटी में जा रहा हूं और मैं मेरे पांव फिसल गए और मैं वहां पे लटक रहा हूं और मैं इतना घमंड हूं कि मैं मदद मांगने के लिए बहुत घमंड हूं और मैं वहां से गिर जाता और मेरी हड्डी टूट जाती है और तब मैं मदद को बुलाता हूं और उसके बाद एम्बुलेंस जिसका नाम मर्सी है आती है, दया है, वो आती है और परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर देता है। परंतु सबसे बड़ा समय है, बेहतर समय है मदद मांगने का, जिस समय मैं गिर रहा हूं वही मेरी आवश्यकता का समय है। अनुग्रह का मतलब होता है आवश्यकता के समय मेरी सहायता। और उस समय में जब मैं, जब आप उस प्रेशर में है क्रोध करने के लिए, या आप प्रेशर में है उस इंटरनेट साइट में जाने के लिए, पोर्नोग्राफी साइट में जाने के लिए आप प्रेशर में है और आप उससे लड़ रहे हैं और आप कहें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो होगा और आप उसमें से विजय में बाहर निकलेंगे और आप सोचेंगे कि मैं कैसे क्रोध में नहीं गिरा, कैसे मैं पोर्नोग्राफी में नहीं गिरा, क्योंकि अनुग्रह आपकी सहायता करती है, अनुग्रह आपकी जीवंत होने में सहायता कर सकती। तीसरी बात, अनुग्रह हमें जस्टिफाई करता है, हमें सिन के पावर से स्वतंत्र करता है। सेकंड कुरिन्थियंस, हर एक समस्या जो दूसरा कुरिन्थी 12:9 में कहता है कि, और परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है और यही वह काम है जिसे परमेश्वर कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जिसे हम जीवन में सामना करते हैं, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि कोई भी छुटकारा तुरंत नहीं आता है, यहां पे पौलुस कहता है कि एक शैतान का दूत, दूसरा कुरिन्थी 12:7 में शैतान का एक दूत मुझे बार बार घूसे मारता था, जिसे वो एक शरीर में कांटा कहता। हम नहीं जानते वो क्या था, क्या वो कोई बीमारी थी या कोई मनुष्य था, परंतु शैतान का कोई ना कोई तो दूत था। जो बीमारी वो शैतान का दूत था, मनुष्य शैतान के दूत हो सकते हैं, कठोर लोग शैतान के दूत हो सकते हैं जो उसे सताते थे। और उसके बाद हम प्रार्थना करते कि प्रभु जी मुझे इससे छुटकारा दे, प्रभु जी मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। तीमुथी के पास पेट का रोग था, अनेक वर्षों तक पेट का रोग था जिससे उसे कभी छुटकारा नहीं मिला, उसके शरीर में कांटा के समान था। उसने भी प्रार्थना की, प्रभु मुझे छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दे, और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि कठिन पति हो या कठिन पत्नी हो या कोई कठिन आपका पड़ोसी हो, कोई कठिन परिस्थिति हो या कोई बीमारी हो या कोई आर्थिक समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो आपको मार रहे हैं शैतान, घूसे मार रहे हैं शैतान के दूत के समान। और प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरी सहायता करूंगा जयवंत होने के लिए। यद्यपि यह शत्रु बना रहेगा, वो हमारे सामने एक मेज बिछाता है, आपके शत्रु को हटाने के बाद नहीं, परंतु आपके शत्रु की उपस्थिति में वो एक मेज तैयार करता है। क्या अद्भुत बात नहीं है, जहां पे वहां पे शत्रु खड़ा है आपको नाश करने के लिए, परंतु प्रभु कहता है आ यहां पे नाश्ता करते, मेरे साथ बैठ और नाश्ता कर यहां पे, क्योंकि वो पहले से पराजित है, वो हमें छू नहीं सकते हैं, वो हम अनेक तरीके से हमें कष्ट पहुंचा सकते थे। इसलिए यदि आप अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में पाए जहां पे कोई बीमारी है जो आपसे दूर नहीं हो रही, कोई समस्या है जो आपको छोड़ करके नहीं जा रही है, कोई कठिन व्यक्ति है जिसके विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको उसे छुटकारा मिले, परंतु वह छुटकारा नहीं आया है, तो आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। और इन सब चीजों के पीछे एक उद्देश्य है, और इन सब चीजों के पीछे उद्देश्य यह था कि पौलुस को नम्र रखे और पौलुस और मसीह के समान व्यक्ति बन पाए इन सारी चीजों के वजह से। इसलिए परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है हमें नम्र करने के लिए, और उसने शैतान का इस्तेमाल किया पौलुस को नम्र करने के लिए। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है। और एक दिन मेरे नाती ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, और उसने मुझसे पूछा कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को अभी तक रहने की अनुमति दी जब उसे मार सकता है। तो मैंने उससे कहा, जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम मजबूत होते हैं। परमेश्वर ने शैतान को इसलिए हमारे जीवन में रहने की अनुमति दी है ताकि हम उससे लड़कर के मजबूत हो सके, इसे सुनकर बहुत प्रोत्साहित हो सके। और वो कहता है कि मैं मजबूत बन सकता हूं जब मैं शैतान से लड़ूंगा। और ये कितनी अद्भुत बात है, और क्या अद्भुत बात नहीं, जब आप जो 7 साल की इस बात को जान रहे हैं, क्या अद्भुत बात नहीं, आप जो बड़े लोग आज इस बात को जान पा रहे हैं, शैतान का हर एक दूत जो आपको परेशान कर रहा है, सता रहा है,
हर एक परिस्थिति में आप जयवंत हो सकते हैं, जयवंत से बढ़ करके हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मसीह के समान बनाएगा। उस समस्या के हटे बिना, उस समस्या के हटे बिना आपको और मसीह के समान बनेगा। और यदि वो समस्या नहीं हटती या नहीं होती, उससे भी बढ़ करके वो आपको मसीह के समान बनेगा। तभी तो पौलुस ने कहा कि हर एक बातों में हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।